आप कहते हैं कि पूजा प्रार्थनाएं, हवन अनुष्ठान, ईश्वर की स्तुति, दैवीय शक्तियों की आराधना कहां से सीखें, कैसे करें। मैं कहना चाहूंगा कि जहां चाह वहां राह। बहुत सारी बातें हैं जीवन में ऐसी होती हैं जिनको आप कहीं से भी नहीं सीखते हैं, लेकिन फिर भी आपको आती है क्योंकि उनको आप करना चाहते हैं। मुझे कोई दुनिया में ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ एक नेम प्लेट लगी हो, या जहाँ कोई साइन बोर्ड लगा हो, जहाँ कोई नाम की पट्टिका लिखी हो, जहाँ ये लिखा गया हो कि यहाँ राजनीति सिखाई जाती है, यहाँ कुटिलता जटिलता सिखाई जाती है, यहाँ चालाकी सिखाई जाती है, यहाँ झूठ बोलना सिखाया जाता है, यहाँ धोखा देना सिखाया जाता है। समझ रहे हैं आप, यहाँ कनिंगनेस सिखाई जाती है। कोई इंस्टीट्यूट नहीं है दुनिया में जो बुराइयों का प्रशिक्षण देता हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कमोबेश कोई ना कोई बुराई शामिल ना हो। किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ हमारे जीवन में आता ही है। कोई माता कोई पिता ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे असत्य वाचन करें, झूठ बोलें, फिर भी सब बोलते हैं। जहाँ तक बात पूजा प्रार्थना उपासना अनुष्ठान और ईश्वरीय स्तुति की है, यह हमारी इच्छा, हमारे संस्कार, हमारे प्रारब्ध और हमारी अपनी जो मानसिक चेतना है उस पर भी निर्भर करता है। आप जिसका काम करना चाहते हैं उसको भी वो काम पसंद आना चाहिए। अगर आप किसी संस्था में काम करते हैं तो संस्था का जो अधिकारी है, जो नियोक्ता है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, वो आपसे सेटिस्फाई होता है, आपसे प्रसन्न होता है, आपसे खुश होता है, तो आपको नियुक्त करता है। लेकिन ये तो परम ऊर्जा का काम है, यहाँ तो आप ईश्वर के रास्ते पर चले हैं, तो आपकी इच्छा तो अपनी जगह है, लेकिन थोड़ी बहुत ईश्वरीय इच्छा का होना भी आवश्यक है। और ये ईश्वरीय इच्छा परस्पर है। आपके मन में जैसे ही संकल्प उदित होते हैं, जैसे ही पूजा प्रार्थना उपासना और हवन अनुष्ठान या ईश्वरीय ऊर्जा के साथ एक 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 तार में जुड़ने की एक इच्छा आपके अंदर जन्मती है, उमगती है, पनपती है, वैसे ही आपका रास्ता सुगम होने लगता है। आपका मन वैसे ही चीज़ों में लगने लगता है। आपको भजन कीर्तन आरतियाँ, आपको सब चीज़ें वो अच्छी लगने लगती हैं जो भी आपके जीवन में शुभता लाती हैं, शुचिता लाती हैं, श्रेष्ठता लाती हैं, सर्वोच्चता लाती हैं, समृद्धि लाती हैं, शांति लाती हैं, सुख लाती हैं और अंततः आनंद लाती हैं। आर्यम शरणम शुभमस्तु।